गोरखपुर में आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 जोड़ों की शादी हुई। वहीं 68 मुस्लिम युवतियों को निकाह भी हुआ। सीएम योगी ने नए जोड़ों का आशीर्वाद दिया, साथ ही उनके बीच प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। चंपा देवी पार्क मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो गोरखपुर में 1500 जोड़ों का विवाह हुआ। सीएम योगी पहुंचे, वहां पर उन्होंने खुद उन्हें आशीर्वाद दिया। चंपा देवी पार्क मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और साथ साथ अगर समाज में कहीं कोई विकृति है, उस विकृति के खिलाफ समाज को मिलकर के कार्य करना चाहिए, उस दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूपी के डीजीपी के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी हुआ है, अब किसी भी बच्चे को रात में थाने में नहीं रख सकेंगे। तो यूपी के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चे को रात में थाने पे रखने पे कार्रवाई होगी। डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और जिले के एसपी को निर्देश दिया है, आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने डीजीपी से आपत्ति जताई थी और इसी को लेकर डीजीपी विजय कुमार ने ये निर्देश जारी किया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी को बाद डीजीपी ने ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अब किसी भी बच्चे को रात में पुलिस थाने पर नहीं रख पाएगी। अगर ऐसा करता है तो फिर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस संबंध में सीधे और साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी विजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रात के वक्त बच्चों को थाने में नहीं रखा जाएगा और अगर ऐसा पुलिस करती है तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है और आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राज्य बाल संरक्षण आयोग ने डीजीपी से आपत्ति जताई थी और इसके बाद अब राज्य बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद डीजीपी ने ये फैसला लिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती कल पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, ये पार्टियां अपनी नीयत साफ कर ली थी तो बेहतर होता। मायावती ने विपक्ष की मीटिंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें ही चुनावी सफलता की कुंजी हैं और विपक्ष क्या कोई वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगा। विपक्षी पार्टियों के रवैये से लगता नहीं कि वो गंभीर हैं। तो मायावती ने देखिए ट्वीट किया है और क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में जो बैठक है, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करता है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधा निशाना साधा है विपक्ष की कल होने वाली बैठक में। बिहार की राजधानी पटना में ये बैठक होने जा रही है और इसको लेकर मायावती ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि इन पार्टियों की नीयत सही नहीं है।
और वहीं महोबा में मानसून से पहले हुई बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। गांव के दर्जनों मकान भरभराकर गिर गए। मकान गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। नुकसान के बाद ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। चरखारी तहसील के बमहौरी बेलदारन गांव का मामला है। तो ये देखिए किस तरीके से भीषण तबाही हुई है। बरसात से पहले जो जोरदार बारिश हुई उसमें कुछ मकान भरभराकर गिर गए और सीधी जो मकान की गिरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कच्चा मकान था और पलक झपकते ही पूरा मकान गिरकर तबाह हो गया। तो गांव के दर्जनों मकान गिर गए और आप देखिए किस तरीके से गांव की गलियां जो है लबालब भरी हुई। ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बह रही हो। यहां पर महोबा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और महोबा के चरखारी तहसील के बमहौरी बेलदारन गांव की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त तबाही देखने को मिली है और दर्जनों घर जो देखते ही देखते जमीन में ढह गए। तो पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मकान गिरा और दूसरी तस्वीर आप देखिए जो गांव के रास्ते हैं वहां पर छोटी नदियां जैसी बह रही हैं। इस तरीके से जलभराव हो गया है और अब लोग प्रशासन और शासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बड़ी खबर महोबा से जहां पर बारिश से रेलवे के अंडर ब्रिज में पानी भर गया। पानी में कार और ट्रक पूरी तरीके से डूब गए। जान जोखिम में डालकर रेल पटरी पार कर रहे लोग। पानी पर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। सदर कोतवाली के बदरिया के पास रेलवे अंडर ब्रिज का मामला है। तो रेलवे अंडर ब्रिज से अक्सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और देखिए महोबा से भी तस्वीर सामने आई है जहां पर जो रेलवे अंडर ब्रिज बनाया गया वहां पर पानी बुरी तरीके से भर चुका है और अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। जान जोखिम में डालकर लोग अब रेल पटरी पार कर रहे हैं लेकिन पैदल वाले लोग तो रेल पटरी पार कर रहे हैं पर जिनके पास वाहन है वो वाहन पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। सदर कोतवाली के बजरिया के पास रेलवे अंडर ब्रिज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से जहां पर मानसून की दस्तक से पहले तेज बारिश हुई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश के नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल है। तो ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कानपुर से जहां पर बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के दावे फेल हो चुके हैं। आप देखिए इन्हीं दावों के नाम पर भी कुछ दिन पहले निकाय चुनाव हुए थे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आप देखिए बारिश हुई और उसके बाद हालात क्या है। लगातार बारिश हुई, कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल है और सड़क पर इतना पानी है कि घुटना डूब जाए। तो ये हालात है कानपुर में। किस तरीके से इंतजामों के नाम पर झूठ बोला जाता है, किस तरीके से कागजों पर बड़े बड़े इंतजाम दिखा दिए जाते हैं लेकिन सच क्या है ये तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि इस सच के सामने आने के बाद कितनी राहत जनता को मिलवाएगी ये देखने वाली बात है। बड़ी खबर मैनपुरी से जहां पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने की मांग उठी है। मैनपुरी के कुरावली तिराहे पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मूर्ति लगाने की मांग की है और मैनपुरी डीएम अविनाश कृष्ण सिंह को मांग पत्र सौंपा है। मैनपुरी के चौराहों पर अलग अलग महापुरुषों की मूर्ति लगाने की मांग की गई है। जेल चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की मांग हुई है। वहीं माँ शीतला देवी चौराहे पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने की मांग की गई। करल चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योति रोड तिराहे पर महर्षि कश्यप की मूर्ति लगाने की मांग की गई। वहीं वीरांगना अवंती बाई लोधी की मूर्ति लगाने की मांग भी है। सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। अहिल्याबाई होलिकर की प्रतिमा लगाने की मांग भी की गई है। विकास भवन चौराहे पर संत गाडगे की मूर्ति लगाने की मांग की है। तो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त दी है समाजवादियों ने डीएम को और महर्षि वाल्मीकि और पन्ना धाय की मूर्ति लगाने की मांग भी की गई है। तो मैनपुरी के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग महापुरुषों की मूर्ति लगाने की मांग की गई है और इन सब के बीच जो कुरावली चौराहा है वहां पर मांग की गई है कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई जाए और इस संबंध में मैनपुरी डीएम अविनाश कृष्ण सिंह को ये मांग पत्र समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सौंपा गया है। भगवान परशुराम की मूर्ति, देश के जाने माने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति, तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति और संत गाडगे जी की, वीरंगना बंतीबाई की मूर्ति, सम्राट अशोक त्याग की मूर्ति, पन्ना धाय की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि, कश्यप जी, सभी समाज के सभी महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की मांग की है ताकि कोई समाज अपने आप को कुंठित महसूस करे। सारे महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना के संबंध में डीएम साहब से मिली थी और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि
कई मूर्ति इसमें लगाई जा रही है, इसीलिए उनको भी लगाने की। वैसे मेन वैसे किस मेन मूर्ति की मांग है जो यहाँ? जितनी सारी मूर्तियाँ सारी मेन मूर्ति नेताजी की मूर्ति लगने के लिए जो चौक सुना है, क्या लगता है उस पर नेताजी को? भगवान परशुराम की है, महर्षि वाल्मीकि है, इलाहाबाई होल्कर है, सबसे सम्मानित श्रद्धे नेताजी। यहाँ के पर्यटन मंत्री भी हैं, उनसे भी हमारी मांग है, जो मांग पत्र दिया उस पर विचार करें इन मूर्तियों को लगाने का काम। और बड़ी खबर झांसी से, मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। जलभराव में लोगों का घर से निकलना दूभर हो चुका है। नगर पालिका परिषद बरुआ सागर में बारिश से पानी भरा है। आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झांसी की, जहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने की वजह से किस तरीके से मुसीबत झेलनी पड़ती है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये तब है जब अभी मानसून की दस्तक नहीं हुई है, ये सामान्य बारिश के दौर में हाल है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल है। जलभराव में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीर नगर पालिका परिषद बरुआ सागर की है, जहां पर बारिश से पूरी तरीके से पानी भर गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।